गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम दीपक सोनी, आई एम योर फिजिक्स टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इन अवर नेक्स्ट सेक्शन इन चैप्टर नंबर 2C इज एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो टुडेज क्लास में हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एंड द टाइम टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एंड टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। और एवरेज वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं, द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इफ आर वेक्टर द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल मीन्स अगर कोई भी पोजिशन वेक्टर है, अगर उसमें आर या फिर डेल्टा आर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कितना हो रहा है, ऑब्जेक्ट है डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट है इन डेल्टा टी टाइम, इन डेल्टा टी टाइम। अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी का जो रेशियो हो जाता है वो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को। और हम लोग को वो हमने लास्ट में लिखा था बट डेल्टा आर इज इक्वल टू एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे। ठीक है, हम लोग अगर इन वन डायरेक्शन पेन की बात करते हैं तो डेल्टा ये अगर आर है तो ये भी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के इक्वल हो जाता है। डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। उसके बाद इसको वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। क्या आता है, वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहां पे डेल्टा टी है इसको हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं, डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई जे अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इन दोनों का जब रेशियो लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वी एवरेज इक्वल टू वी एक्स आई वेक्टर प्लस वी जे वी वाई जे वेक्टर। तो ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे एवरेज वेलोसिटी को। तो यहां पे जो डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा टी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वी एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो यहां पे वी वाई है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा वाई जे अपॉन डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां पे तो इस तरीके से हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो कोई भी अगर पार्टिकल है और उसकी अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी को काउंट करते हैं तो उस वेलोसिटी को बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर देख लेते हैं। अगर मान के चल लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है डेल्टा डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा टी टाइम, तो इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, तो इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा आर टेंस टू जीरो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। मीन्स लिमिट डेल्टा आर टेंस टू डेल्टा टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है,
डिनोटेड बाय द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यहां पे देख सकते हैं व्हेन आर टेंड्स टू जीरो, जब यहां पे आर किसकी तरफ जीरो जाएगा, यहां पे आर अगर यहां पे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अगर डेल्टा टी जीरो की तरफ मूव करता है देन इट्स वेलोसिटी इज फाइनाइट या फिर मैक्सिमम यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बी वेक्टर इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, और डी आर वेक्टर अपॉन डी टी रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन पार्टिकल। तो किसी भी टाइम इंटरवल पे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन पार्टिकल मूव इन द कर्व पाथ अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट बाय दैट पॉइंट। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, जब किसी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को काउंट करना है तो क्या करेंगे, व्हेन ए पार्टिकल मूव इन ए कर्व पाथ, अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी कर्व पाथ में मूव करता है तो उसके डायरेक्शन के अलोंग में जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर हम लोग काउंट करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जेड वेक्टर। और इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग डी बाय डी टी ऑफ एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर। ठीक है, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर के इक्वल भी हो सकता है। और इसकी अगर हम लोग फाइनल रिजल्ट की बात करें तो वी की वैल्यू जो रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, वी एक्स आई वेक्टर प्लस वी वाई जे वेक्टर के बराबर। ठीक है, वी एक्स आई वेक्टर प्लस वी वाई जे वेक्टर। और इसको हम लोग इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट इज सफिशियंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।